दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया कानून के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है, और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ज्यादातर मुसलमान देशों में महिला को आजादी बहुत ही कम दी जाती है। लेकिन मिडिल ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया का ऐसा काफी सारा देश है जहां पर मुसलमान आबादी ज्यादा होने के बावजूद यहां पर महिलाओं को काफी छूट दी जाती है। अल्बानिया नंबर एक पर आता है। दक्षिण यूरोप में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत अल्बानिया। अल्बानिया के ज्यादातर लोग काफी खूबसूरत और शांति प्रिय होते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोपीय वंशभूत होने की वजह से यहाँ के संस्कृति और रहन सहन पूरी तरह से यूरोपियन जैसा है, और यहाँ की बहुत ही कम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। यहाँ की ज्यादातर महिला या तो मॉडर्न ड्रेस पहनना पसंद करती हैं या फिर यहाँ का सांस्कृतिक पहनावा। नंबर दो पर आता है कजाकिस्तान। 1990 से पहले कजाकिस्तान रशिया का एक हिस्सा था। यही कारण है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों में रशियन रहन सहन का काफी प्रभाव देखा जाता है। यहाँ की ज्यादातर महिलाओं को बहुत ही ज्यादा आजादी दी जाती है। यही कारण है कि यहाँ की महिलाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी में यहाँ की महिलाएं लाजवाब प्रदर्शन करती हैं। यहाँ की काफी सारी महिलाएं आर्मी में काम करना पसंद करती हैं। नंबर तीन पर आता है कोसोवो। यह दक्षिण यूरोप में स्थित एक देश है जहाँ की लगभग 95% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाओं को किसी भी काम में मजबूर नहीं किया जाता और यहाँ की महिलाएं अपने मर्जी मुताबिक जिंदगी जीते हैं। दोस्तों नंबर चार पर आता है बांग्लादेश। महिलाओं को दी गई आजादी के मामले में बांग्लादेश पूरे साउथ एशिया का सबसे अच्छा देश माना जाता है। यहाँ पर महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है इसका अंदाजा आप एक ही बात से लगा सकते हैं कि कई दशकों से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक महिला हैं, और यहाँ तक कि यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी के लीडर भी एक महिला को ही बनाया गया है। दोस्तों नंबर पांच पर आता है मलेशिया। मलेशिया को एशिया का सबसे विकसित देशों में माना जाता है। मलेशिया में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है और यहाँ महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता। दोस्तों इसके अलावा ये देश भी शामिल है। छठवें नंबर पर है तुर्की। सातवें पर है बोस्निया। आठवें पर है मेसोडोनिया। नौवें नंबर पर है तुर्कमेनिस्तान और दसवें नंबर पर है इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमें फॉलो अवश्य करें। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।